आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मेरठ के ब्लॉक जाने खुर्द में स्थित गांव पांचली खुर्द पड़ा। लगभग 8,300 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 5 किलोमीटर है। वर्तमान में गांव के प्रधान कुसुम है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 6,400 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 250 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा के बदहाल इंतजाम को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए 143 हैंडपंप लगवाए गए हैं, जिससे गांव में पेयजल की समस्या ना हो। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए 250 विद्युत पोल, 7 विद्युत ट्रांसफार्मर तथा लगभग 30 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। इसी के साथ ही 3 सीसी टाइल्स रोड, नाली निर्माण, सीसी रोड तथा 290 शौचालय भी वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा बनवाए गए हैं। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि तथा ग्रामवासियों का कहना है कि ग्राम पंचायत की 1265 हेक्टेयर जमीन पर विद्या प्रकाशन के मालिक ने फर्जी बेनामा कराकर कब्जा कर लिया है, जिसे सरकार जल्द से जल्द कब्जा मुक्त कराए। ये क्रांतिकारी धन सिंह कोतवाल का स्टैचू है। क्रांतिकारी गांव पांचली खुर्द में माननीय विधायक श्री विनोद हरि द्वारा राज्य सरकार से सुश्री बहन मायावती जी के टाइम पे ये स्टैचू तैयार किया गया था। 1857 की मेरठ की क्रांति में धन सिंह कोतवाल का महत्वपूर्ण योगदान है। हम दुखी हैं भारत सरकार और राज्य सरकार से इस बात से कि धन सिंह कोतवाल का नाम इतिहास में दर्ज है, लेकिन आज तक इस गांव को क्रांतिकारी गांव का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। मैं भारत सरकार से डिमांड करनी चाहूँगा, मेरी तरफ से और ग्रामवासियों की तरफ से ये मांग है कि इस गाँव को क्रांतिकारी गाँव घोषित किया जाए, इसकी फंडिंग क्रांतिकारी गाँव की तरह दी जाए, इसके विकास कार्यों को क्रांतिकारी गाँव की तरह दिया जाए। धन्यवाद। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी रोड, कन्या इंटर कॉलेज, लिंक रोड के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की। मैं ग्राम प्रधान पति अनिल प्रधान, पांचली खुर्द, विकास खंड जानी, जनपद मेरठ, उत्तर प्रदेश से। हमने जो गांव में ऐतिहासिक काम कराए हैं, आज से पहले हमारी ग्राम सभा में कोई इंटरलॉकिंग कार्य या आरसीसी का कार्य किसी प्रधान ने अब से पहले नहीं कराया था। सारे गांव में खड़ंजों का निर्माण था, कुछ कच्चे रास्ते थे, लेकिन पहली बार जब से देश स्वतंत्र हुआ है पहली बार इस गांव के अंदर इंटरलॉकिंग और आरसीसी के कार्य हो रहे हैं। हम ज़्यादातर कार्य इंटरलॉकिंग और आरसीसी करा रहे हैं। हमने शौचालयों का निर्माण करवाया है बेहतरीन तरीके से, एक बिजली घर का निर्माण करवा रहे हैं, एक प्राइमरी स्कूल में सुंदर सुलभ शौचालय इंटरलॉकिंग का कार्य, फर्श का निर्माण हमने कराया है। अपने आप में सराहनीय है वो, अगर आप देखेंगे उसे। हमने जितना सरकार से फंडिंग मिली है उससे अलग हटके जो प्राइवेट संस्था है उन लोगों से भी मदद ली है अपने गांव के लिए। हमने सुभारती जो यूनिवर्सिटी है, सुभारती यूनिवर्सिटी के मालिक अतुल भटनागर से 2-3 महीने रिक्वेस्ट करने पर गांव के लिए एक जो 15 साल से खाली गेट पड़ा हुआ था, जो क्रांतिकारी गेट था हमारा, वो 15 साल से ऐसे ही खंडर के रूप में खड़ा था। उस पर हमने अतुल भटनागर से कह के उसको पत्थर का निर्माण करवाया है, उसमें पत्थर लगवा कर सुंदर और पूरे ज़िले में सबसे बेस्ट गेट पूरा हमारे गांव का क्रांतिकारी गेट बना है। धन सिंह कोतवाल की भूमि है, ये क्रांतिकारी गांव है। उसके बावजूद भी यहां क्रांतिकारियों जैसी कोई सुविधा सरकार ने नहीं दी थी। हमने प्राइवेट संस्थाओं से डिमांड करी क्रांतिकारी गांव के नाम पर, हम लोगों को शामिल करी, उन लोगों ने हमें बहुत कुछ दिया है। एक हमारे यहाँ पर बद्री नारायण सेवा ग्राम है, संस्था है, उन्होंने जो है हमें एक स्टैंड के रूप में, जिसमें यात्री स्टैंड हमारे गांव का मेन स्टैंड है, यात्री स्टैंड बनवाया है हमारे गांव के लिए। उन्होंने एक चैन बैरिकेडिंग की तरह उन्होंने एक सौंदर्यकरण के रूप में एक बरगद के पेड़ के चारों तरफ एक सौंदर्यकरण करवाया है और काफ़ी कार्य करवाए उन्होंने। प्रजापत धर्मशाला में हमारे कहने पर जो बाराती आते हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था के लिए टीन शेड का निर्माण करवाया है। और हमारा गाँव धन सिंह कोतवाल क्रांतिकारी की भूमि है, तो इस धन सिंह कोतवाल स्टेडियम के लिए जमीन का प्रस्ताव पिछली सरकारों द्वारा किया गया है। राज्य सरकार ने हम ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पास होकर गया है, राज्य सरकार से वो
पारित हो चुका है, लेकिन अब केंद्र सरकार में अटका हुआ है। एक स्टेडियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्टेडियम नहीं मिल पा रहा है, पता नहीं किस कारण से। क्रांतिकारी गांव होते हुए भी स्टेडियम नहीं मिल पा रहा, उसकी भूमि भी उपलब्ध है, उसका प्रस्ताव भी जा चुका है शासन को, और कई सारी समस्याएं अभी हमारे गांव में फंडिंग की बहुत ज़्यादा समस्या है। तालाब का हम चाहते हैं कि बिल्कुल नए तरीके से उद्धार हो जाए, जिससे बहुत गंदगी फैली हुई है, हम भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धन की थोड़ी कमी है, बड़ा गाँव है। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार हमें मदद करें और हम अपने गांव के जो बड़े तालाब हैं उनको, उनकी खुदाई करवा के उन्हें ऐतिहासिक बना दें, उनको बहुत अच्छा करें, और पूरी कोशिश रहेगी हम कि गांव के विकास में कोई कसर न छोड़ दें। एक हमारे यहां हाईवे रोड है, बागपत रोड, और उसके पास में जो है वहाँ पर जल निकासी की समस्या है। हम चाहते हैं राज्य सरकार से या सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी मदद करे, गांव के आसपास नाले का निर्माण हो जाए तो वो सड़क बार बार टूटने से बच जाए और गांव के विकास में चार चंद लग जाएंगे। हमारा गांव ऐतिहासिक गांव है, 3-3 बैंक है इसमें और ATM की व्यवस्था है, इंटर कॉलेज है। हम चाहते हैं, हमारे पास ज़मीन की कोई कमी नहीं है, लड़कियों के लिए एक इंटर कॉलेज के निर्माण की व्यवस्था सरकार कर दे, और पूरी कोशिश करेंगे कि हम कहीं भी अपने गांव में कोई विकास कार्य अछूता ना रह जाए, पूरी जी जान से लगे हुए हैं। इंटरलॉकिंग का कार्य हमारा देखने में बेहतरीन है, जो रास्ते हम लगा रहे हैं उनमें कहीं भी एक बूंद पानी नहीं रुकता, ढलान इस तरह से लिया है। पूरी कोशिश रहेगी हमारी तरफ से कि जब से देश स्वतंत्र हुआ है आज तक गाँव में इतने निर्माण कार्य नहीं हुए हैं जितने अब हुए हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि पिछले 30 सालों को हम टक्कर दें और सबसे ज़्यादा विकास कार्य कराएँ।